हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं बैठा हूँ अपने घर पे और घर पे ही प्याज की पौध खोद रहा हूँ। गाइज, आज हमने सोचा क्यों ना व्लॉग की शुरुआत यहीं से कर दे। गाइज, मेरे पीछे देखो, धनिया की खेती की कर रखी है हमने। गाइज, धनिया के फूल देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। ये देखिए गाइज, ये देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। और इसके पीछे है लहसुन की खेती। ये देखिए लहसुन है इतनी दूर तक, और उसके पीछे प्याज का बीज यहाँ पे भी घर के पास भी वो रखा हमने। और इधर ये देखिए हमारे घर, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, चारों तरफ हरियाली हरियाली घर के चारों तरफ देखिए गाइस। और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसको अभी छनाई कर दिया हमने। गाइस, अभी हमारे पशुओं की चारा काटने की मशीन आ गई है, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। चलो चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। गाइज, हम अभी पशु से पाट मारेंगे, क्योंकि पाट इसलिए मारेंगे क्योंकि हमें प्याज की बुआई के लिए ज़मीन तैयार करनी है और इस जगह पे ट्रैक्टर आ नहीं सकता। तो गाइज, हमारा जो पालतू बैल है उससे हम पाट मारेंगे। पाट का मतलब होता है ज़मीन को समतलीकरण करना। गाइज, कौन कहता है राजस्थान में आज भी बैलों से खेती नहीं होती? हमारे आज भी बेलों द्वारा खेती की जाती है। हमारे घर पे चल रही है प्याज की बुआई, तो गाइस घर का काम भी करना पड़ेगा। ये हमारे सभी पालतू पशु है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकती तो रह। भैया कहाँ चल रहे हो? अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो गाइस मिलते हैं सीधा मार्केट में। गाइस जी, अभी हम जा रहे हैं मार्केट और हमारे चारों ओर देखिए कितना अच्छा व्यू है। और गाइस जी, हमारे गांव के अंदर रोडों के आस पास का व्यू बहुत शानदार है और चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। तो गाइस जब मिलते हैं सीधा मार्केट आपसे और हमें जो सामान लाने।
गाइस हमने सामान ले लिया और अभी भैया थोड़ा बहुत सामान वो ले रहे हैं। गाइस हमने पशुओं के लिए चारा काट लिया है और आप भी देख लो पशुओं के चारा काटने की मशीन और हमारा बाहुबली पशुओं के लिए चारा काट रहे हैं। ऐसी जीत हम न पाए।